दो खास मेहमान हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, विकास सेठी साहब मौजूद हैं, गौरांग शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले विकास आपके पास मैं आता हूं, ये अभी बात हो रही थी जो इंटरनेशनल ट्रिगर्स की, उसमें जो मेन हाईलाइट पॉइंट था वो था ये कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क और टेंशन अभी बढ़ गई है, इसका असर इस समय वर्ल्ड मार्केट्स पे है। क्या कुछ बहुत ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इंडाइसिस पे आप? गुड मॉर्निंग रजत, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जहां तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का सवाल है, बिल्कुल इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता। तो बाजार में वोलेटिलिटी तो बिल्कुल बनी रहेगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप होगा। तो अगर बाजार कोई इस कारण से अनलेस अदरवाइज की ये बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाता है, बट इसकी अटकलों के बीच अगर बाजार में बहुत अच्छी एक गिरावट आती है तो डेफिनेटली वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरी राय में वोलेटिलिटी रहेगी, इस हिसाब से जो ट्रेडर्स है शॉर्ट टर्म का जिनका नजरिया है उनको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट लंबी अवधि या मीडियम टर्म के लिए ये बाजार बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है और यहाँ पे मुझे बुलिश बेट्स ही नजर आते हैं। मुझे लगता है कोई भी करेक्शन बाजार में होते हैं तो वो लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के ही मौके होंगे। ठीक है, एक चीज तो हमको समझ में आई कि बाजार में करेक्शन हो सकती है, अगर होती है तो खरीदारी का मौका होगा, ये चीज तो पता लग गया है। अब एक बार गुरांग से भी समझ लेते हैं कि उनका आउटलुक क्या है इस जो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है। गुरांग, आप इसको कितना गंभीरता से देख रहे हैं, ये मैटर वास्तव में बहुत सीरियस है या फिर बाजार इसको डिस्काउंट कर देगा 40-50-60 पॉइंट में ही, इससे ज्यादा की जरा चिंता की बात नहीं है अभी? शुक्रिया और सुप्रभात सभी को। शुक्रवार को जब शुरुआत हुई थी और वो जो सीरिया पर मिसाइल दागे गए थे अमेरिका के तरफ से, तो रिकवरी तो हमने पहले ही देख ली थी। आखिरकार दूसरे सत्र में करीबन एक या दो घंटे का जो ट्रेडिंग था आखिर का, उसमें हमने ज़्यादा फिसलन देखी थी। तो एक फैक्टर्ड इन और डिस्काउंटेड तो शुक्रवार को पहले ही हो चुका था। और ये जो अभी जिक्र कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के तरफ जो यू नो वॉरशिप्स और एयर फाइटर जेट कैरियर्स को तैनात किए गए हैं, तो एक बात हमें साफ समझनी चाहिए कि जो रवैया नॉर्थ कोरिया का रहा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कोई खतरा अमेरिका उठाना चाहेगी, क्योंकि ये सीरिया नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया है जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और जो दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं और अपने एक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से अमेरिका किसी भी तरह के कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि डेफिनेटली एक खतरा रहेगा। और जिस तरीके के परमाणु या फिर न्यूक्लियर टेस्ट या फिर मिसाइल टेस्ट हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किए हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चौकन्ना अमेरिका भी रहेगा कि किस तरह की कार्रवाई वो करता है और किस तरह की सेना तैनात करता है। राइट, लेकिन वायदा कारोबार से क्या संकेत है ये भी समझ लेते हैं। टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, भी कैश में तो बिकवाली थी नो डाउट एफआईएस की, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा पॉजिटिव था और ये जो कॉल्स पे बिकवाली हो रही है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से 9200 क्रॉल टूटी 9300 की, इसको कैसे माना जाए? अपसाइड जो है लेवल्स वो थोड़े रिस्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं मार्केट। पहले एक अच्छी खबर बता दूं, अच्छी खबर ये है कि एनएससी ने एक फीस घटा दी है और फीस करीब करीब 5000 रुपये हुआ करती थी 1 करोड़ पे, और उसके बाद 1 करोड़ के हिसाब से स्लैब हुआ करता था। अब एनएससी ने वो फीस घटा दी है, वो करीब 2500 रुपया पर महीना कर दी है, यानी कि आपका टोटल प्रीमियम या टर्नओवर किसी को भी कैलकुलेट करेंगे वो 2500 रुपया महीना फीस हो चुकी है, और जो क्वांटम है वो भी बढ़ा दिया है। अब 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ पे 2500 देना होगा, पहले 1 करोड़ पे या 5000 रुपये दिया करते थे। तो एनएससी ने जो लिक्विडिटी को बढ़ाने का फैसला लिया है ऑप्शंस के अंदर, ये टिपिकली उन ट्रेडर्स को फायदा होगा जो ऑप्शंस में अब तक खर्चों से डर रहे थे, उनको थोड़ा सा और ऑप्शंस सस्ती हो जाएंगी और मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन होगा। ये तो अच्छी बात हमको एनएससी से समझ में आई जो उन्होंने फीस घटा दी है, अच्छी बात है। यहाँ पे बीएससी का कॉम्पिटिशन था इस वजह से उन्होंने फैसला लिया। अब आप जो बात पूछ रहे हैं कि ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा था, एक बार ना इससे पहले इंस्टीट्यूशनल का आंकड़ा देखना होगा। ये 909 करोड़ की खरीदारी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और स्टॉक फ्यूचर्स की 500+ करोड़ की खरीदारी इस जंक्शन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब शुक्रवार को आपके पास ग्लोबल थोड़ी सी दिक्कतें हों, आपको कन्फ्यूजन हो कि पता नहीं अभी क्या होगा, आगे डेवलपमेंट बड़ी तो नहीं हो जाएगी, इस बीच अगर ऑप्शन में और फ्यूचर स्टॉक्स के फ्यूचर में बाइंग आ जाती है, इसका मतलब है कि धैर्य रखिए, बाजार के अंदर इवेंट है, शायद पास होने वाला इवेंट है। ये फर्स्ट सिग्नल है जो मार्केट आपको दिया, इसलिए कन्विक्शन स्ट्रांग रखिए। अब आते हैं दूसरा हिस्सा, यानी कि निफ्टी का फ्यूचर्स। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में देखेंगे तो अनवाइंडिंग का प्रेशर दिखा था। आज बाजार 9200 के ऊपर जितना समय निकालेगा, यह बाजार अपनी तबीयत को ठीक करेगा, सिर्फ बेड से नहीं उतरेगा, चलेगा नहीं,
सिर्फ तबीयत ठीक होगी। आज मार्केट की जो शुक्रवार को एकाएक खराब हो गई थी, इसलिए आज का दिन बाजार में सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन मैन्युफैक्चरिंग का दिन है। बड़े सौदे लेने से आज का दिन तो कम से कम रुकना चाहिए। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का सौदा भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का ही ट्रेड होता दिखा, वहां पे भी अनवाइंडिंग थी लेकिन ओपन इंटरेस्ट वहां का बेहद कम था, 1% भी नहीं बना। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बैंक स्टॉक्स ही निफ्टी की हेल्प कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सरकारी बैंकों में। एक सरकारी ऑर्डर भी अभी ड्यू है जो कि बैड लोन्स को लेकर भी आना है, तो यहां पर क्या डेवलपमेंट होती है। एक बार आप ऑप्शंस भी देख लीजिए कि 9200 की कॉल पुट, 9400 और 9000 में हमने क्या किया। 92 की जो ऑप्शंस कॉल है इसके अंदर फ्रेश शॉर्टिंग हुई है। फिलहाल ट्रेडर थोड़ा रुकना चाहते हैं, ये ज्यादा घबराने वाला बात नहीं है, लेकिन 9200 अगर आप बाजार रुक गया तो इस कॉल के अंदर खरीदारी आएगी। लेकिन दो चीजें जिसके बीच में बाजार चल रहा है वो या तो हम जाएंगे 9400 या चले जाएंगे 9000। 9400 पे क्या हो रहा है, फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। ट्रेडर्स को समझ में आ गया कि पहले हमको 9200 को होल्ड करना है, इसको पकाना है, फिर हम यहां पे जाएंगे। इसलिए यहां पे प्राइस चेंजेस जो 40% का है, एकाएक शॉर्टिंग इसके अंदर हमने आती हुई देखी है। अब 9000 की पुट भी देख लीजिए यहां पे क्या ठहराव दिखता है आपको, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं खड़ा है और यहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि जो लोग इस पुट को एक बेस समझते हैं उनका बेस और भी फॉर्मेशन हो गया है। आज बाजार 9200 पे अगर आ जाएगा, आप 9200 मत देखिएगा, आप 9000 की पुट भी देख सकते हैं। ये पुट अगर धीरे धीरे करके कमजोर होती जाए ना, समझ लीजिएगा बाजार ठहरने वाला है, अभी जल्दी जल्दी 9000 को तोड़ेगा नहीं। जय ठक्कर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये आपके सामने पहले वो शेयर्स भी है जिनमें आज शेयर सौदे नहीं लगेंगे, उसमें एक उज्जीवन फाइनेंस ऐड हुआ है, ये आप नोट कर लीजिएगा, 3 पुराने शेयर हैं, एक उज्जीवन फाइनेंस ऐड हुआ है। जय, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल आज मेरे को अगर ट्रेड करना हो तो मैं आज बड़े सौदे लूं और लूं तो स्टॉप लॉस क्या रखूं और मेरा इमीडिएट टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको तो समझ में आ रहा है हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट भी है और हर 50-60 पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी है। अब तो हाई, गुड मॉर्निंग डीपी। मॉर्निंग सर। वेल डीपी, बिल्कुल सही कहा आपने कि नो ऑन द लोअर साइड जो हिसाब से यू नो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक हमें यू नो एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला मैंने निफ्टी में, और मैं कहते आ रहा था कि ऑन द अपसाइड 9275 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकॉज ऑन द डेली चार्ट अगर आप देखें तो एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई थी जिसके बाद लगातार हमें यू नो सेलिंग प्रेशर देखने मिला और निफ्टी उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो वो 9275 ही है, और उसके ऊपर ही मेरा ये मानना है कि लॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस मार्केट में बनानी चाहिए एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न डिम्पी। उसके ऊपर ही अगर इंडेक्स निकलता है तो हम 9400 के लेवल्स यू नो का टारगेट निकाल सकते हैं। इस सीरीज में हमें देखने मिला भी था कि अराउंड 9400 और 9500 के लेवल्स पे काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर देखने मिला था, अच्छी राइटिंग देखने मिली थी। सो दोज लेवल्स इन दिस सीरीज आर गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट, जैसे आपने भी अभी कहा कि एवरी 50-60 पॉइंट्स एक सपोर्ट है, तो अभी सपोर्ट बनकर आ रहा है 9165 जो एक अपट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और उसके नीचे 9120। सो मेरा यह मानना है डिम्पी के यू नो कुछ समय तक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रहेगा, और स्टॉक्स में खुद की एक यू नो अपवर्ड के डाउनवर्ड एक यू नो ट्रेंड देखने मिलेगा, बट एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न मुझे नहीं लगता कि कोई एक बड़ा अपमूव के डाउन मूव यहाँ से देखने मिले। सो यू नो ऐसे में इंडेक्स अगर किसी को प्ले करना है तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जहाँ तक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, जब तक निफ्टी 9100 के नीचे क्लोज नहीं करती, टिल देन बाय ऑन डिक्लाइन एंड सेल ऑन राइज, दैट शुड बी द